तो रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर विधानसभा में अवैध कॉलोनियों का मामला उठा है। विधायक जारम सिंह ने ये मुद्दा उठाया है। वहीं दोषियों पर कार्रवाई कर कॉलोनी को वैध करने की बात यहां पर की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा में अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठा है। विधायक जालम सिंह ने मुद्दा उठाया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा में अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठा है, क्या कुछ मामले वहां पर उठे और किन मुद्दों पर चर्चा हुई? अनन्या, दरअसल विधानसभा में जालम सिंह पटेल है, नरसिंहपुर विधायक है, उन्होंने सागर और दमोह जिले को लेकर एक सवाल खड़ा किया था कि यहाँ पर जितनी अवैध कॉलोनियां हैं उनको वैध करने की योजना बनाई है सरकार ने, तो क्या जिन लोगों ने अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और जिन लोगों ने वहां पर रहवासी के रूप में अपने मकान बनाए हैं या जिन्होंने मकान लिया है उनको क्या सुविधाएं सरकार देगी, क्योंकि जो वहाँ स्थानीय लोग हैं वो इन्वेस्ट करके अपने घर बना चुके हैं, उनकी क्या गलती, इन्होंने गुमराह करके अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर दिया। तो इसी बात को लेकर उन्होंने एक सवाल उठाया था कि कितनी अवैध कॉलोनियां हैं जो वैध करने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। इस पर मध्य प्रदेश के जो नगरीय विकास आवास मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने जवाब दिया कि मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की दिशा में सरकार सकारात्मक प्रयास कर रही है और जिन लोगों ने अवैध कॉलोनियां बनाई हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उस कार्रवाई में वो लोग नहीं शामिल होंगे या उस कार्रवाई का उनको नहीं दंड मिलेगा जिन्होंने वहां पर इन्वेस्ट करके अपने मकान बनाए हैं। यानी जनता को सीधा लाभ देने की योजना ऐसी तैयार कर रही है सरकार की, जो जिन्होंने कॉलोनी काटे हैं, जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो वहां आम रहवासी हैं जिन्होंने मकान बना लिया उनको बचाया जाए और उनको मूलभूत सुविधाओं को से भी वंचित ना रखा जाए। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप किया जाए, मूलभूत सुविधाएं जित नल हो, पानी हो, सड़क हो, सीवेज हो, ये सब चीजें वहां पर दी जाए। इसको लेकर अर्थदंड लगाने की भी योजना सरकार ने बनाई है, जिस तरीके से मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपना जवाब दिया, तो अब सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। हालांकि मंत्री के जवाब से जो विधायक हैं वो जालम सिंह वो संतुष्ट नजर आए और उन्होंने धन्यवाद दिया मंत्री जी। धन्यवाद महीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रही है, जहां पर विधानसभा में एक बार फिर अवैध कॉलोनी का मुद्दा उठा है और इस मुद्दे पर जो है भूपेंद्र सिंह ने, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक संतुष्ट जवाब जालम सिंह जी को दिया है, जिसके बाद उन्होंने उनका धन्यवाद किया और इन कॉलोनियों के लिए जो योजना बन रही है उस पर जवाब से वे संतुष्ट भी नजर आए।